रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब तक एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन के क्रामटोरस्क शहर की एक रिहायशी इमारत पर रूस ने मिसाइल के जरिए हमला कर दिया। इसके चलते बिल्डिंग के 8 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कुल 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों की 60-60 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 59 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 1 बजे तक मेघालय में 44.73% और नागालैंड में 61.16% वोट डाले जा चुके हैं। इन दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत में बने इस एयरपोर्ट का ऊपरी हिस्सा कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। मोदी ने इसके अलावा शिवमोगा में 3600 करोड़ और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है। असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को जेल में डालने की कोशिश हुई थी। वे खुद इस बात के गवाह हैं। शिंदे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल नेताओं का मानना था कि ऐसा करने पर भाजपा बैकफुट पर आ जाएगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 200 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 180 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 106 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67.97 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 से बाहर हो सकते हैं। वहीं अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है तो उसे खेलने पर भी संशय है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंग्लैंड में जुलाई में होना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट उनकी चोट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। वह 8 अक्टूबर-9 अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी और फ्रेंच क्लब पीएसजी से खेलने वाले लियोन मेसी अगली ट्रांसफर विंडो में अपने बचपन के क्लब नेवल्स ओल्ड बॉयज से जुड़ सकते हैं। इस बात का खुलासा सर्जियो एगुएरो ने किया है। सर्जियो मेसी के साथ अर्जेंटीना में खेल चुके हैं। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 279वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी।